अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूँ मोना आलम। आज प्रोग्राम में हम लोग दो ऐसे मौजूदात पर रोशनी डालेंगे जिनका ताल्लुक बराहे रास्त अवाम नास और उनकी रिलीफ पहुंचाने तक है और बेसिक जरूरियात जिंदगी मुहैया करने के ऊपर मबनी है। तो मुल्क में अगर हम लोग बात करें, मुल्क भर में हम लोग जानते हैं कि मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिल्ड किए जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर इंप्लॉय की जा रही हैं और पूरे अक्रॉस द कंट्री हम इस तरह के रुझान देख रहे हैं। और इसके साथ ही जितने भी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, हम चाहे वो मुल्तान हो, कराची हो, लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और अब पिशावर भी, जहां इन प्रिंसिपल इन एक बुनियादी जरूरत हम इस चीज को इस तरह से देख सकते हैं कि अवाम नास के जो रोजमर्रा के ट्रैफिक के मसाइल हैं खास तौर पे मेट्रोपॉलिटन शहरों में, वो हल करने में यही वन वर्डेड या वन फ्रेज सोल्यूशन कहा जा सकता है। मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, उनकी तश्कील और उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ऑन ग्राउंड लाना। वहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये मौजू पोलिटिकल पोलराइजेशन का भी बायस बना। वफाकी हुकूमत की तरफ से हमने देखा कि इन मसाइल को हल करने के लिए चाहे वो लाहौर मेट्रो हो, मुल्तान मेट्रो हो, इस तरह के इकदाम उठाए गए। कराची की इकोनॉमिक हब, मुआशी हब की इंपॉर्टेंस जानते हुए खासतौर पर जो एक्यूट ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक के मसाइल कराची में दरपेश होते हैं, उनको हल करने के लिए ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह पिछले साल किया गया था। ये तमाम चीजें तो हमने एक साथ देखी, लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि ना सिर्फ अब इन शहरों में, लेकिन अब इसके आगे जाके पिशावर में, केपीके में भी अलॉन्ग द सेम लाइन यही तमाम मेट्रो और यही तमाम मास ट्रांजिट फैसिलिटीज जो है वो अब डेवलप की जा रही है, जिसके जो रिवाइज अखराजात हैं वो 54% अपने ओरिजिनल एस्टिमेट से ज्यादा अब फिलहाल एज वी स्पीक ₹59 बिलियन पर मौजूद है। इनके बारे में सवाल अब ये उठाएंगे कि क्या एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम एक्सपेंडिचर्स और अवाम के मसाइल, अवाम नाज के मसाइल, ट्रैफिक से मुंसलिक जो है वो हल कर पाएंगे, पहला तो सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि अगर वाकई ये इतने एक्सपेंडिचर के और इतने एक्सपेंसिस बेयर करने के बाद अवाम नाज के मुश्किल और मसाइल रोजमर्रा की जिंदगी के हल हो जाते हैं, तो इनसे पोलिटिकल पोलराइजेशन का क्या जवाब बनता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में सेकेंडली जब हम रोजमर्रा की मुश्किल की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सरे फहरिस्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा और कॉन्सिक्वेंटली बिजली की डिमांड में इजाफा नजर आता है, जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लोड शेडिंग दोबारा से एक मसला बन के सामने आई है और रोजमर्रा की मुश्किल का बायस बन रही है। लिहाजा जहां पर हम एक बात जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस पर्टिकुलर सेक्टर में इकदाम किए जा रहे हैं, उनके ऊपर रोशनी डालने के साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि हम लोग इसके ऊपर भी बात करें कि ये जो लोड शेडिंग और जो एक डिमांड और सप्लाई का गैप है, बिजली की जो तलब है और असद है, उसकी बीच में जो बड़ी तफरीक है, इस दफा जो मजीद वाइडन होती हुई नजर आई है, उनकी क्या वजूहत है। ऑफकोर्स अंडरस्टैंडेबली जो एक बढ़ता हुआ राइजिंग टेम्परेचर है, राइजिंग मर्करी है, वो तो इसका फैक्टर ही है ही। साथ में जब हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, तो हम जानते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम बोलें कि मुआशी तरक्की कितनी हुई, तो एक बड़ा ब्रॉड सा सवाल है। एक घर में मौजूद दो लोग भी इसका मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको नैरो डाउन करके कन्वर्ज करते हैं इस पॉइंट पे कि किसी भी जगह पर लोड शेडिंग कितनी है, तो वो पूरे इलाके के लोग इसमें कोई दूसरी बात या दूसरी राय नहीं रख सकते हैं। लिहाजा अगर ये इतनी बेसिक जनरल नॉलेज है, इतना बेसिक सा सवाल है, तो इसका हल कहां पर मौजूद है और ये तमाम इकदाम अवाम नास की एट द एंड ऑफ द डे जिंदगी बनाने के लिए कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और कैसे इनको मजीद यहीं पर डायरेक्ट किया जा सकता है। इस नीड ऑफ द आर डिस्कशन में जरूरत है वक्त मौजूद के ऊपर, मौजूद के ऊपर मेरे साथ दिया है कराची स्टूडियो से मिस्टर कैसर अहमद शेख ने, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द नेशनल असेंबली PMLN, रूलिंग पार्टी का मौकफ उनसे जानेंगे, वफाकी हुकूमत का मौकफ। मिस्टर मुबशिर मीर भी हमारे साथ मौजूद है, पैनल में तशरीफ फरमाए, सहाफती जो पहलू है, सीजन जर्नलिस्ट है मुबशिर मीर साहब, तो उनसे जानेंगे कि इस वक्त वैसे तमाम हलकों पे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स कहां पर लाए कर रही हैं और तमाम के इतराफ से क्या क्वेरीज हैं या क्या इश्यूज हैं जो पुटअप किए जा रहे हैं। मिस्टर रतीकुर रहमान ने भी ग्रेस किया है आज पैनल को फ्रॉम कराची स्टूडियोज, इकोनॉमिस्ट हैं, लिहाजा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जब हम कॉस्ट, एक्सपेंडिचर्स और जो हार्ड कोर इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं, उनसे उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। रतीकुर रहमान साहब पैनल में, KCCI से उनका ताल्लुक है। और फ्रॉम द पिशावर स्टूडियोज ऑल द वे सेनेटर नुमान वजीर खट्टक ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। लिहाजा खासतौर पर जो KPK से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, अब जो मास ट्रांजिट सिस्टम केपीके में या पिशावर में टू बी एग्जैक्ट डेवलप किया जा रहा है अलोंग द सेम लाइंस, वो किस तरह से इसकी मुश्किलात हल कर पाएगा। और ऑफकोर्स हमारा जो दूसरा टॉपिक भी है लोड शेडिंग से ताल्लुक रखा हुआ, उसके बारे में भी उनसे बात रखी जाएगी। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने इस वक्त ग्रेस किया है पैनल को। कैसर साहब आपसे आगाज करूंगी, हुकूमत का मौके जरूर हम आप ही से सीख कर रहे हैं पूरे डिस्कशन में। सबसे पहले तो ये दोनों मौजूदात फर्स्टली ये बता दें कि लोड शेडिंग में इजाफा,
डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत प्रायोरिटाइज कर रही है और आपका इलेक्शन का स्लोगन है 2018 के लिए कि नो लोड शेडिंग, फिर इस तरह का जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है, क्या आपने प्रिडिक्ट किया था? मोना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा और मौजूदा मामलात के बारे में, ये बड़ा अहम टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बात चीजें हैं जो बंदा प्लान करता है, बात चीजें हैं जो कि कुदरत के हाथ में वो सिर्फ इंसान प्लान नहीं कर सकता। मसलन इस बार बारिशें कम हुई हैं और दरियाओं में पानी कम है, फिर इस मौसम में इंडिया भी इन दरियाओं में अपने ज्यादातर पानी उसकी कोशिश होती है कि वहां से नहीं जाए। तो हमारा गवर्नमेंट हमारी ये कहती रही है थ्रू आउट ही कि 2017 के आखिर तक हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। अभी ये जो गर्मी शुरू हुई और इससे डिमांड में इजाफा हो रहा है, आप को पता ही है कि जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पिछले साल से डिमांड भी बढ़ गई है, तकरीबन 10-11% 12% बल्कि ज्यादा मैं समझूंगा 15%, जिस तरह के अगर जो फिगर्स हैं 17,000 से 15,000 से 17,000 हो जाए तो 15% से ऊपर डिमांड बढ़ गई। हमारे देखिए ना, दो किस्म के हो सकते हैं, एक तो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, एक है लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर जो है वो इतने महंगे हैं और वो किसी के हमारे पास इतना इतना सरमाया नहीं है। देखिए ना, हम एनर्जी पाकिस्तान के पास जो सोलर एनर्जी है बहुत ज्यादा है, हर वक्त धूप होती है और सूरज होता है, हम तो चाहिए कि, लेकिन उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसी तरह विंड की एनर्जी है, वो ये कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म है ना, लेकिन बाकी जो लॉन्ग टर्म है मसलन उसमें हाइडल जो है, हाइडल में मैं तो सबसे ज्यादा हाइडल की बात करना चाहूंगा कि मैंने अपनी असेंबली में भी 10 जून 2016 में बड़ी तफसील से तकरीर की। मैंने ये कहा कि कंसेंसस बनाना है, हमको मिलकर, देखिए ना, तमाम पार्टियां मुल्क की मोहब्बत वतन है, इख्तलाफ राय अपनी जगह पे है, किसी का कुछ है किसी कोई, लेकिन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें क्यों इख्तलाफ हो रहा है, मेरी तो वाकई आज तक समझ में नहीं है कि कालाबाग डैम का एक रुपए पे हमें बिजली मिलनी थी और एक नेचुरल हमारे पास इसमें डैम था और फिर उसमें रिजर्वायर बनने थे कि अगर जब इंडिया अगर पानी जब उसके बाद वाफर हो गर्मियों में हमारे यहाँ छोड़ दे तो हम कम से कम उनको रिजर्व कर ले पानी। सही, बिल्कुल। डैम के अलावा जो रिजर्व आए थे ना, अब मैं अपनी चनियोट की आपको मिसाल देता हूँ, क्योंकि मेरा अपना हल्का है और दो साल पहले वहाँ एक इतना बड़ा सैलाब आया कि तमाम उन्होंने जो है ना बस्तियों को और कच्ची बस्तियों को और घरों को इफेक्ट किया। अगर हम वो पानी रिजर्व करने की पोजिशन में होते जो कि खाम का दरिया में बह रहा है, तो ये हमारी प्लान, इंडिया ने बहुत ज्यादा डैम बनाया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें कबात क्या है, अभी तो लेकिन पहले तो इसमें पानी की शॉर्टेज नहीं थी या बिजली की शॉर्टेज नहीं थी, उस वक्त तो कहा गया कि पीके ने कहा, सिंध ने कहा कि नहीं जी हमने हाइडल का पोटेंशियल हाइडल के पी के में भी है और पंजाब में तो सिर्फ एक ही नेचुरल डैम है जो बन सकता था। तो मैं अभी भी जोर दूंगा, देखिए इख्तलाफ अगर है तो बैठ के पॉलिटिशियन का क्या काम होता है, हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखें और उसके समझें, कंसेंस सारे मुल्क को देखें, मुल्क तो एक फेडरेशन है, हमने मिलकर रहना है। अगर वो सूबे हमारी मुखालफत करेंगे तो कालाबाग डैम या दूसरे बड़े हाइडल के जो बहुत बड़े सरमाया जिसके लिए चाहिए बनना इतना आसान नहीं है, राइट। लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रहा, देखिए ये हर साल और बढ़ जाएगा। एक तो बात ये हो रही है कि मैं आपको जो असल पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, इस वक्त तो शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, गैप बहुत ज्यादा है, फर्ज कीजिए गैप ना भी हो तो इतनी महंगी बिजली जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी इस वक्त मौजूदा हालात में, तो तेल की प्राइस रीजनेबल है, तेल की प्राइस अगर और बढ़ जाएगी जो महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं एक बात करूं, शायद आपको बड़ी तकलीफ हो आपको सुन के, मेरे अपने हल्के में मुझे चंडीगढ़ में कई लोग कहते हैं कि अच्छा है कि लोड शेडिंग हो रही है, कम अज कम हम बच्चों को और लोगों को अपने पड़ोसियों को ये बता नहीं सकते, अगर खुद ब खुद बंद हो जाएगी तो बिल कम आएंगे, अगर चलना शुरू हो जाएगी, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, मैं ये पहला पॉइंट जो कि शायद किसी ने ना बताया, ये बहुत हैरानी वाली बात है। और मुझे लोगों ने कहा है कि अगर 7-8 घंटे की लोड शेडिंग है तो नेचुरली बंद हो जाती है, हमारा बिल कम आता है, अगर ये 8 घंटे की लोड शेडिंग नहीं होगी हम बिल नहीं भर सकते, हमें बंद करना पड़ेगा। अगर आप अंदाजा लगाएं कि इतनी महंगी बिजली है कि वो तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर बिजली आती रही और हम बंद करेंगे तो
तो हमारी बदनामी होगी कि इनके पास इतने पैसे नहीं है, यानी हमसे अपने जो पड़ोसियों को और हल्के को बताएं। लेकिन ये मसाइल देखिए ना, क्या किया जा रहा है? कालाबाग डैम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सिर्फ कालाबाग, कोई भी हाइडल डैम काला है या नीला है या पीला है उसको छोड़ दे, जो भी डैम है देखिए ना, हाइडल इज दी चीपेस्ट, एक रुपए है तो ये बिजली बन रही है, और अगर वो सस्ती होगी तो हम एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट क्यों घटी है? देखिए ना, चैम्बर्स थे हमारे मोहतरम तशरीफ रखते हैं ना, बात सिर्फ ये कि ये बताएं ना कि हमारी एक्सपोर्ट बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट में बढ़ गया, वजह क्या है कि हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, ठीक है ना जी, और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एनर्जी मेजर उसकी कंपोनेंट है। हाँ, तो बहरहाल ये बात हो रही है, इसमें शॉर्टेज तो है, लोड शेडिंग भी हो रही है, 6 घंटे 8 घंटे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बात यह है कि किया क्या जाए। देखिए, हमारी हुकूमत ने ये वादा किया है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब से जो हमारी मीटिंग हुई ना, पार्टी मीटिंग, उसमें मियां साहब ने यकीन दिलाया कि बाई द एंड ऑफ 2017 और बाई द अर्ली 2018 लोड शेडिंग तो खत्म हो जाएगी। तो सर अभी लेकिन जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, तो ये देख रहा हूँ के हाल है, ये हाल लोड शेडिंग खत्म भी होगी तो मेजोरिटी आप लोगों को जो तकलीफ हो, ये भाव, ये बिजली के बिल इतने ज्यादा आएंगे जो भर ही नहीं सकेंगे। राइट, और हमें पता है ये भी एक वजह थी जो अभी भी धरना हुआ था। मुबशर साहब से बात कर लेते हैं, जरा पैकेज इस तरह से करते हैं डिस्कशन को कि एक पॉलिटिशियन का व्यू पॉइंट और फिर एक एनालिसिस आ जाए और फिर देन अगेन पॉलिटिशियन एंड देन एनालिसिस। मुबशर साहब, इस वजह भी यही थी जमात इस्लामी के धरने की भी, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो किया गया था, पूरे हमें पता है कराची एक तरह से ब्लॉकेट की सिचुएशन में चला गया था, एक तो ओवर बिलिंग और दूसरी लोड शेडिंग, क्या हल है? और मतलब अगर चले एक्सेप्टेंस आ गई है कि मसला है तो उसका हल क्यों तलाश हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगा है कि कुछ हद तक किया गया? बहुत शुक्रिया मोना। एक चीज तो ये है कि मैं ये कहूंगा कि जो एक वीएन और बिल की बात है, वीएन और बिल की जो कमजोरी है वो पॉलिटिकल साइड पे है। सही, आप ये देखें कि इस पिछली दहाई के आगाज में पाकिस्तान में दो प्रोग्राम बने थे। आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट जो फेडरल लेवल पे है वो तो मुस्तकिल काम करता है ना, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, हुकूमतें तो मुख्तलिफ बनी हैं। मैं किसी पार्टी से हटके मैं प्रिंसिपल बात करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपली बात यह है कि एक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान बना था लगभग 2005 के अराउंड में, ये पाकिस्तान का एक एनर्जी मिक्स पूरा प्लान था कि कितने परसेंट हम हाइडल करेंगे, कितने परसेंट हम जो है वो हमारी थर्मल होगी, कितने परसेंट हमें विंड एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी होंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन 10% तक हमारा टारगेट था। और इसके अलावा एक वाटर विजन बना था जो 2025 था, जिसके तहत डैम्स की बात हुई थी और कंसेंसस डेवलप करने की उस वक्त की गवर्नमेंट ने गुफ्तगू की थी। मसला यह है कि जिस वक्त गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत के साथ एक चीज बनाई होती है, अगली गवर्नमेंट आके उसकी प्रायोरिटीज चेंज कर देती है। एक वक्त में हमारे लिए ये था कि जी हम थर्मल को ज्यादा कर रहे हैं, फिर उसके बाद हुआ जी नहीं 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 हमने तो कोयले पे जाना है। मौजूदा हुकूमत के दौर की ही अगर हम बात करें तो पहले कोयले की तरफ हम भागे हैं और गडानी का प्रोजेक्ट हमारे सामने है, जो आज गडानी खत्म हो गया। उसके बाद हुआ कि जी नहीं 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 हमें तो फौरी तौर पर जो है ना वो सोलर पे जाना है, बावलपुर की सीन हमारे सामने है, अभी भी आप चेक कर लें कि इस वक्त कितनी वहां बिजली पैदा हो रही है, शायद कैसा साहब बता सके। इसके बाद ये हुआ कि नहीं नहीं हमें तो एलएनजी पे जाना है, तो वो फिर एलएनजी की गेम शुरू होगी। अब कोयला भी, अब फिर जी कोयले का आ गया जी, कोयला हमें वहां पे जाके लगाना है, कोयले का प्लांट जो कि हमारा हाईली एक एग्रीकल्चर वो एरिया है 1200-1300 एकड़ जो उसके लिए अक्वायर किया गया है, जहां पे आपकी बेहतरीन क्रॉप होती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो प्लानिंग जो है उसमें जो एक विजन चाहिए, जो एक विल चाहिए, उसकी कमी है। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हमारी आ जाती हैं जिसमें लोगों के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म मंसूबे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये अपना असेंबली में है कैसर साहब, ये बता सकते हैं कि 1998 से बादशाह डैम पे तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं। सही, कितने किस बात का डिले है, कितने साल गुजर गए, अब आप खुद चेक कर ले, 19 बस गुजर गए। सही, और हमने उसको क्या किया, इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया बना रहा है, इंडिया तो नहीं रुक रहा, और अगर इंडिया पानी रोकता है तो हम कौन से एहतजाज कर रहे हैं इंडिया के सामने, इंडिया के सामने तो हम एहतजाज भी नहीं करते। हमारा तो एक वाटर कमिश्नर भाग के मुल्क से चला गया हुआ है, हमने आज तक उसको नहीं पकड़ा जो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा लॉस कर गया। बगलीहार डैम इंडिया ने बनाया 90s की दहाई में मोना, वो पूरी प्लानिंग होती रही, हम खामोश रहे, कोई प्रॉपर एहतजाज हमारा नहीं है।
उसके डिजाइन के ऊपर कोई प्रॉपर किस्म की जो है ना हमारी, फिर हमने अभी जो हमने इंडस वाटर टॉक की है वो देखें, वो कमीशन हुआ, अब 900 मेगावाट बिजली वो चनाब के ऊपर बना के दे रहे हैं, बिल्कुल दो उसके जो है वो फेज में बना है 450 के, तो हम क्या देख रहे हैं एज पर द ट्रीटी हमारा बिल्कुल डिजाइन शेयर देखिए, एक चीज जो है ना बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मसलन अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट आपका इंटैक्ट ही रहता है, पार्टियां जो है उनके भी कंसेंसस जो है वो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जब एक टेक्निकल चीज है, कालाबाग की बात हो या हमें कितने परसेंट जो है वो हमें सोलर पे जाना है, कितना हमें एटॉमिक लेना है, नहीं तो हम लोग साइमल्टेनियसली सारी क्यों नहीं कर सकते, नहीं सारे कर रहे हैं। देखिए जो अब एनर्जी मिक्स फार्मूला है ना, उसमें आपने डिफाइन किया था, आप 2005 का एनर्जी सिक्योरिटी प्लान निकाले, उसमें तय है कि हमें कौन सा सेक्टर से कितनी बिजली पैदा करनी है और हमारी मुल्क की डिमांड आगे जाके क्या होगी, लेकिन अगर अगली पार्टी आके या अगली गवर्नमेंट आके उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हुए वो कर सकती है, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने जाती बेनिफिट्स की बुनियाद पे सारी प्लानिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, तो लिहाजा होना तो ये चाहिए बिल्कुल, इससे कोई जो है वो डिसएग्री नहीं है कि पानी से पैदा होने वाली बिजली सबसे सस्ती है, ठीक है, उसका जो फार्मूला एक बनाया गया था उसके ऊपर करें और जो सेंसेस डेवलप हुआ हुआ है उसके मुताबिक एक डैम जो है वो तो शुरू करें। अब एटॉमिक एनर्जी के हवाले से इस वक्त आपको पता है कि चश्मा पे कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसी एनर्जी सिक्योरिटी के प्लान के तहत जो डिसाइड हुआ चाइना के साथ, और दो आपके यहाँ के K2 K3 जो है उस पर काम हो रहा है, यकीनन आपके भी इलम में होगा और काफी काम हो चुका है जो कि मेरा ख्याल आइंदा जाके एक दो सालों में कमीशन होंगे, तो लेकिन यह है कि जो चीज प्रायोरिटाइज होनी चाहिए कि मतलब हमें मैक्सिमम पानी की बिजली जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, हमारी जो एक्सपोर्ट हो या हमारा अदरवाइज मुल्क के अंदर जो एक सिस्टम है, हम महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। एक ही पॉइंट है जिसको मेरे पहले बॉटम लाइन के तौर पर देखना चाहिए, हर वो चीज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है जिसमें हमें सब्सिडाइज करना पड़ेगा। लेकिन मीर साहब आप देखें ना, हम सोर्स की बात कर रहे हैं, हम अभी ट्रांसमिशन फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियली की गई है, जो 15-16 हजार से ज्यादा जो उसको ले जा ही नहीं सकती, उसके एग्रीमेंट्स हुए हैं लेकिन अभी उसके ऊपर काम होगा, जब भी होगा वो होगा, लेकिन कम अज कम हम जो ना जनरेशन ही तो हमारी अभी कम्प्लीट नहीं है ना, और जो लॉसेज है अभी आप उसको भी तो देखें कि लॉसेस कितने परसेंट हो गए हैं हमारे, बिल्कुल जो कहते हैं जी एवरेजली 14 या 15% लॉसेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, पावर थेफ्ट्स हैं, लाइन लॉसेस हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम अगर 40% तक जा चुके हैं तो इट मीन्स कि हम तो अपनी बनाई हुई चीज जो है वो इतनी जाया कर रहे हैं। और आप देखें ना, अगर कराची की आप बात कर रही थी, जो आप धरने की बात कर रही थी, ओवर बिलिंग की भी बात हो रही थी, तो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि यहाँ पे लीगल कुंडा भी लगता है, अतीक साहब इसमें जरूर रोशनी डालेंगे कि कितने लीगल कुंडे जो हैं वो केई ने खुद लगा के दिए हुए हैं, कि वो ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जी मीटर अवेलेबल नहीं है, फलां चीज अवेलेबल नहीं है, लिहाजा इंटरनली जो है इसको अलाउ कर दो कि ये कुंडा लग जाए और इतना पैसे फिक्स कर दो, और उसके बाद वो जितनी ये छोटे लेवल पे जो इस तरह के नो छोटे लाखों में लीगल कुंडे हैं, लाखों में नहीं, वो तो एक्यूमुलेट होकर, और जब आप देखें जो फैसिलिटेटर हमें देते सबसे बड़ी चीज है ना, जो हमें पिंच करती है वो है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी चीज है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, ठीक है, मतलब अगर 650 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कराची इलेक्ट्रिक को दे रही है तो उसका किस तरह एडजस्टमेंट होती है, उसके बारे में कोई चीज मिनिस्ट्री क्यों नहीं सामने लाती, राइट, अगर उसके बाद अगर इसके अलावा अगर कोई डील हुई है, ये आगे बिक रही है, तो उसकी तफसीलात जो है वो मिनिस्ट्री के पास क्यों नहीं है, मिनिस्ट्री क्यों नहीं उसको बताती, राइट, ठीक है, के इलेक्ट्रिक के बाद जाके आगे जो दूसरी पावर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में क्लैरिटी, ये एक सवाल उठाया गया है। ट्रांसमिशन के बारे में जो बात कर रहे हैं इसको मजीद हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सेनेटर नुमान वजीर साहब की जानब जाऊंगी, फिर उसके बाद अतीक साहब की जानब आऊंगी। बताइएगा सर, आपने गुफ्तगु सुनी होगी खासतौर पर लोड शेडिंग के हवाले से, जैसे अभी कैसर साहब ने भी कहा है कि अगर तमाम पार्टीज मुहिब वतन है, यकीनन जो तरीके का रहे उस पर इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इन प्रिंसिपल कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या प्रपोज करेंगे? थैंक यू मुना, मैं से बाय द वे एक सेनेट की कमेटी है जो नंदीपुर और एनर्जी मिक्स को एनालाइज कर रही है, क्या तो सरप्राइजिंग बात यह है कि जब मिनिस्ट्री से हमने पूछा कि आपकी एनर्जी मिक्स का क्या प्लान है, 2005 की जो था एनर्जी मिक्स वो तो अपनी जगह, द मिनिस्ट्री आफ्टर डिटेल एनालिसिस केम बैक एंड सेड कि जी हमें 6 महीने लगेंगे एनर्जी मिक्स अपना फ्यूचर फोरकास्ट करने का सिस्टम बनाने के लिए। सो बेसिकली द गवर्नमेंट के पास कोई एनर्जी मिक्स का कोई प्लान ही नहीं है किस तरह है, लाइक
टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब आप देखें ना, पहले ये था सोलर जो था 19 सेंट रेट दिया नेपरा ने, फिर अब आ गए 12 सेंट पर। दुबई यूएई में 3 महीने पहले सोलर पर जो खुला रेट खुला, इंटरनेशनल टेंडरिंग हुई, उस पर 3 सेंट रेट आया। इंडिया में ये 5 सेंट रेट है। हाइड्रो पावर की आपने बात की, हाइड्रो पावर लाइफ ऑल को रेट दिया नेपरा ने 6.50 रुपीज रेट दिया। तो हाइड्रो पावर वो नहीं है जो आप समझ रहे थे पहले है। अब सिमिलरली ये जो आप कालाबाग की बात करते हैं, कालाबाग में तो मैं जो ज्वाइंट सेशन सेनेट का और जो नेशनल असेंबली का हुआ था, आई कैटेगोरिकली सेड इन दैट थिंग कि जी कालाबाग में आपको चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और इसको डिस्कस करें, जिसकी रिजर्वेशन है सिंध की है केपीके की, उसके रिजर्वेशन को एड्रेस किया जाए। इट्स ए वेरी चीप फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लस आप वाटर रिजर्वायर भी बनाते हैं। लेकिन क्या आपने गवर्नमेंट ने उसके, जो मैं एज ए पीटीआई पार्लियामेंट्री लीडर था सेनेट का, मैंने ये प्रपोजल दिया, विच अब तो गवर्नमेंट का काम है इसको आगे ले जाना कि डिस्कशन करना। मैंने आपने ये भी प्रपोज किया कि आपने क्या आज तक बोला है कि जैसे कैसर साहब कह रहे हैं कि 1 रुपए की बिजली कालाबाग से बनेगी, क्या ये 1 रुपए की बिजली आप खैबर पख्तूनख्वा के देने के आपका प्रपोजल है कि सिस्टम पर लोड तो कम करें। Having said all that, एक और चीज मैं आपको बताऊं जो आपको जो आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है लोड शेडिंग का, दिस इज बेसिकली जो थर्मल पावर स्टेशन है वो सर्कुलर डेट में फंसे हुए। 414 बिलियन का सर्कुलर डेट में वापस होंगे जो 31 तारीख लास्ट को जो था। इस सर्कुलर डेट पर सॉवरेन गारंटीज भी कॉल हुई है, सॉवरेन गारंटीज भी कॉल इन होगी, सॉवरेन गारंटीज कॉल होगी। जस्ट इमेजिन कि आप मुल्क की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। सारे जो है ये इनका जो काउंसिल है, एडवाइजरी इनकी काउंसिल है, जो आईपीपीसी की काउंसिल है, दे हैव कॉल्ड दिस थिंग इन सर्कुलर डेट था। ऊपर से सर्कुलर डेट की वजह से थर्मल बंद पड़े 23,000 मेगावाट, तो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी गवर्नमेंट का फिगर है 23,000 मेगावाट। आज अब चला रहे हैं 11, 11.5, ठीक है हाइड्रो की कम हुई हुई है, बाकी थर्मल क्यों बंद पड़े हुए? थर्मल को तो चलाएं, इज जस्ट बिकॉज थर्मल नीचे चलते क्यों? सर्कुलर डेट है। सर्कुलर डेट क्यों आया? बिजली की चोरी। ये जो है ना, ये कहते हैं टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस, दिस नथिंग, दिस वेरी लेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस, बहुत थोड़ी, पावर फैक्टर थोड़ा खराब होगा, 0.9592 का पावर फैक्टर मिल रहा है, इट मींस कि ये टेक्निकल लॉसेस नहीं है, सारी चोरी है। तो ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस चोरी इज कि आप फीडर्स को आउटसोर्स करें। एंड जितना आप के इलेक्ट्रिक को बुरा भला कहें, मेरे ख्याल में के इलेक्ट्रिक जो है ना, जो सही पॉलिसी फॉलो कर रही है कि जितने इलाके में चोरी उतनी लोड शेडिंग, या उन फीडर्स को ये आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स करके किसी ठेकेदार को दे दिया और वो उससे रिकवरी करता है। सेनेटर साहब, ये देखे ना, ये जो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और कंप्लेंट्स आ रही हैं, अभी मुबशर मीर साहब ने एक बात की निशानदेही की है कि अगर वहां से उनकी साइड से अगर कोई चीज होती है, लीगल कुंडे, इस तरह के मसाइल, पावर थेफ्ट, इन सब चीजों पे फिर क्या रूल ऑफ रिट आएगा, या फिर इनको किस तरह से फिर कंटेन किया जाएगा? आप आउटसोर्स करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिर ये वाले इश्यूज जो अवाम की तरफ से, अवाम उन्नास की तरफ से उठाए जाते हैं, उनका क्या हल होगा? देखिए जी मोरम, मैं आपको बताऊं, मैं अभी यहाँ पेशावर पीटीबी में बैठा हूँ, ये पीछे मेरे नॉर्दर्न एयर कमांड एयरफोर्स का इसके साथ बड़ा गेट है कुछ 200 मीटर पर, उधर सब कुंडे लगे हुए हैं। रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज सो वीक हेयर और बाकी सारे पाकिस्तान में, जहां आप रिकवर कर नहीं सकते हैं। तो आप इसमें जितना सोच रहे ना कि मैं स्मार्ट मीटर ये वो सारा कुछ, आप भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंजीनियर हूँ, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं। चोरी का सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपने आउटसोर्स कर, जैसे ऑक्ट्राई सिस्टम जो था ना बैक इन 80s 90s में था, कि ऑक्ट्राई को आपने आउटसोर्स किया, उस पर रिकवरी आनी शुरू हुई। ये फीडर्स को जब तक आप आउटसोर्स नहीं करेंगे, ठेकेदार को नहीं देंगे, वो आगे जाकर रिकवर करेगा। के इलेक्ट्रिक क्यों ये कर रहे हैं या बाकी डिस्कोस क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पास अख्तियार नहीं। के इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो कर सकते हैं काम। बाकी डिस्कोस को आप क्या है कि ये करना शुरू कर दें कि फ्लैट रेट देना शुरू करें, कुछ तो रिकवरी होगी। देर आर फीडर्स इन पंजाब इन केपीके जहां 95% चोरी है, 95% लाइन लॉस है। हाउ डू यू इमेजिन कि आप कैसे इस मुल्क को चलाएंगे कि एक जगह में चोरी हो रही है, आप क्या इसको भी मैं बिजली दूं? यू वॉन्ट गिव इट, सॉरी, अगर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन सो बी इट। किस इलाके में चोरी है उस इलाके में लोड शेडिंग ज्यादा करनी होगी, सारे डिस्कोस करनी होगी, और ये उनका एक डिसीजन है। आई थिंक चीफ जस्टिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में भी दिया इसके ऊपर कि जी मेरिट इट शुड बी लोड शेडिंग शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइन लॉस द थेफ्ट इन दैट फीडर। ये प्रोसीजर आप चलेंगे यू डू फाइन, अदरवाइज जब तक हेड ऑन इस चोरी को हुकूमत नहीं लेता है कोई सिस्टम या कोई चीज नहीं। एंड फाइनली आपकी मिनिस्ट्री में यू सरप्राइजिंग मिनिस्ट्री के ऊपर आप कहते हैं मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर, फेडरल मिनिस्ट्री की बात करो, यू नो हाउ मेनी इंजीनियर देयर? जस्ट वन इंजीनियर, वो जगह में नेफपाक से आया हुआ इंजीनियर। जिस अदारे में
आपके प्रोफेशनल ही नहीं है और आपके नॉर्मल ब्यूरोक्रेट्स डीएमजी ऑफिसर्स आपने लगाए हुए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यही रिजल्ट आएगा। ऊपर मिनिस्टर्स, विद ऑल रिस्पेक्ट टू बोथ द मिनिस्टर्स, ये बताइएगा, इसी मौजूद पे मेरा सवाल ये जरूरी होगा आपसे करना। आपने कहा डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन में हल है, प्राइवेटाइजेशन भी एक ऐसा मौजू है जिसपे कभी पॉलिटिकल कंसेंसस हम नहीं कर पाए हैं, ये मैं आपसे जवाब इसका जानना चाहूंगी प्लीज, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द ब्रेक। ये बताइएगा आपको लगता है डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन शुड नॉट बी एन इशू फॉर पॉलिटिकल पोलराइजेशन? लेकिन जी ये हिपोक्रेसी है और इट्स नॉट बीइंग वेरी क्लियर। सारे लोगों ने, सारे पार्टीज के मैनिफेस्टो में है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जब आकर बात शुरू होती है पार्लियामेंट के अंदर तो सब बैकआउट कर जाते हैं, कहते नहीं बिकॉज दे वांट टू गेट अ पॉलिटिकल माइलेज, कि जी पीआईए हो गया, स्टील मिल हो गया, डिस्को हो गया, सब लॉस में, 700-800 बिलियन मेरा पैसा जा रहा है, टैक्सपेयर का पैसा इन लॉस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पैसा हम जा रहे हैं, और प्राइवेटाइज आप करते नहीं है, मैनिफेस्टो में सबका है, जब पार्लियामेंट में बात करते हैं नहीं नहीं पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं, कोई प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, हमारी यूनियन है, आपके स्टील मिल भी यूनियन है, पार्टी की, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, उसकी यूनियन है, पीआईए में यूनियन है, हूं इसको वही नहीं करना चाहता, रेस्ट अशोर्ड यू ब्लीड द इकॉनमी विल ब्लीड टिल द टाइम यू नॉट प्राइवेटाइज दीज लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस एंड ऑल ऑफ दीज डिस्कोर्स और ऑल ऑफ देम आर लॉस मेकिंग, दे हैव टू बी प्राइवेटाइज, एटलीस्ट इफ नॉट द फीडर शुड बी प्राइवेटाइज, जहां ये लॉस हो रहा है फिर इसका हल है। ठीक है, मतलब आपसे वैलिडली मैं ये इंटरप्रेट कर पाई हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप प्राइवेटाइजेशन के हक में, आपके जरिए जो आपका पार्टी मौकफ है, मुझे फॉर प्राइवेटाइजेशन इट्स अगेंस्ट। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर अतीकुर रहमान साहब की तरफ आऊंगी, और ये जो हमारा सब टॉपिक है सेकेंड फर्स्ट विच इज अबाउट लोड शेडिंग या इसके क्या प्रपोज सोल्यूशन है उसके बारे में जानेंगे, एंड ऑफकोर्स मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो पूरे मुल्क भर में अब डेवलप किए जा रहे हैं, क्या यही अवाम उन्नास की ट्रैफिक मिसाइल का हल है? राइट आफ्टर ब्रेक। प्रोग्राम फिर मुजफ्फराबाद से पेश किया जा रहा है, नीलम किला में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, छानेवाल टोल प्लाजा पे मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे होंगे कराची रेम यार खान मुल्तान को ये रास्ता जा रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट आज बैठने का मकसद ये है कि हम अपने तीन पहले ये तय करें कि हमारे मसाइल हैं क्या, जिनकी सैलरी लाखों में है वो आसूदा हाल है, जिनकी सैलरी हजारों में है वो बेहाल। मीडिया मालकान की तो सोच यही कि अपने ही पेट भरें। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके लिए आजाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल सीरीज के तौर पे पेश किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आबादी नजर आ रही है वो मकबूजा कश्मीर, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वो कल्चर सिंध का दिखाया जा रहा है, रियासत का अहम सुतून, चौथा सुतून। देखिए पीर का बुद्ध 7:05 तक सिर्फ पीटीवी न्यूज का। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। ब्रेक से कबल हमने अपने पहले सब टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्म किया था, तीन हमारे पैनलिस्ट्स की अरा हमने कलेक्ट की है, अब इसमें तीसरा जो एक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी जानेंगे, एंड देन वील मूव टू द सेकंड सब टॉपिक। दोनों मौजूदात कैसे लगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन ट्विटर एंड ऑन फेसबुक, अपना फीडबैक ना भूलिएगा। अतीकुर रहमान साहब बताइएगा, प्रॉब्लम हमारे पास आइडेंटिफाइड है, लीगल कुंडे, मतलब अब मसला मेरा ख्याल है ट्रांसमिशन पे बात करने, वी स्पोकन क्वाइट मच अबाउट द सिचुएशन। एक बात बड़ी जरूरी है वो है कॉमन मैन की बात। देखिए सारी बातें हो गई, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ से एनर्जी जा रही है, गवर्नमेंट सीरियस है या नहीं है, लोग सीरियस है नहीं है, हाइड्रल से पैदा कर लो, इससे पैदा कर लो, कोल से पैदा कर लो, गवर्नमेंट का जो मेन प्रॉब्लम है सबसे पहले उस इशू पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद हम कॉमन मैन की बात किए बगैर नहीं रह सकते। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रिक जनरेशन, एनर्जी जनरेशन प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कैसा साहब ने बता दिया हाइडल है और हाइड्रो है, सोलर है, मतलब बहुत सारा वक्त लगता है इसमें, लेकिन जो हम कोल फायर पे जा रहे हैं हम क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन भी तलाश करने की जरूरत है। सारी दुनिया कोल को छोड़ रही है, हम कोल को अपना रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि कहीं पे हम पानी से बिजली पैदा करना चाहते हैं तो पानी नहीं हमारे पास, वापिस कहीं हम किसी और तरीके से ऑयल फायर करना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या नाम है, सर्कुलर डेट का सामना पड़ रहा है, कहीं पर हमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं हमें डेट सर्विसिंग है,
अब एक कोल के रिजर्व्स हमें मिल गए हैं और हमें लगता है कि हम उस कोल के जरिए अपने बिजली के मसले को हल कर सकेंगे। देखिए पॉइंट की बात है, बात सारी है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हब में बन रहा है, सहवाल में बन गया, और भी बन रहे हैं बहुत सारे हैं, अभी अगर इनके नाम लेते एक लंबी लिस्ट है। कोल इंपोर्ट किया जा रहा है इस वक्त, और इंपोर्ट करने की वजह से ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, हमें काफी ज्यादा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो बिगड़ रहा है, और हमारी जो इंपोर्ट की फिगर्स है वो ज्यादा है, और एक्सपोर्ट तो वैसे ही हमारी गिर रही है। लेकिन कोल फायर्ड इसलिए किया जा रहा है कि आज हम इसको इंपोर्ट करके कर रहे हैं, कल को हमारा अपना जो ब्राउन कोला है, जो डस्टी कोला है, जो पानी में दबा हुआ है, अब उसका पानी निकाला जा रहा है और उसकी डस्ट को सफा किया जा रहा है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया, उम्मीद करते हैं कि वो कोला निकलने के बाद हमारे उस प्रॉब्लम को दूर करेगा और लोगों को, कॉमन मैन को उस टैरिफ से निजात मिलेगी जिस टैरिफ का वो शिकार है। मुल्क जो है वो कॉमन मैन का 92% कॉम्पोनेंट में, अमीरों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात नहीं करता जिसमें आप टैरिफ कुछ भी बना दे, कमर्शियल बना दे, रेसिडेंशियल टैरिफ बना दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बात की इकोनॉमी की, एक आदमी जो बिजली का बिल पे करता है वो खाना नहीं खा सकता घर में। उसकी एक और वजह है, देखिए के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी चीज, उसको प्राइवेटाइज किया गया, सब कुछ किया गया, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन वो जो देर में आजकल रीडिंग हो रही है ना, जिसमें आपका जो स्लैब है वो चेंज हो जाता है, जहां पर आपने 1000 रुपए की, ये दिस इज रॉन्ग, ये जुल्म है, 1000 की जहां बिजली पे करनी है वहां पे आपको 3000 की पे करनी पड़ती है, आपका स्लैब चेंज किया जा रहा है, आपका डिफरेंट स्लैब। देखिए बात कॉमन मैन की होती है, कॉमन मैन को डिप्राइव किया जा रहा है, एक आदमी को जो आगे गर्मी से मरा हुआ है, दिन भर ट्रैफिक के धक्के खाकर काम करके आ रहा है, अब उसको बिजली भी मैसर नहीं, और अगर बिजली मैसर है तो वो उस बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, और वो उसका बिल अगर अदा करता है तो घर में रोटी नहीं पका सकता। इसकी तरफ क्या रिलीफ है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। डिफरेंट किस्म के चार्जेस, ये भी एक बड़ा जुलूम है, मीटर रीडिंग चार्जेस, सर चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, और फिर ये बिलों को बढ़ाकर पेश करना, इस सब का कोई सोल्यूशन होना चाहिए, वरना एक जो कॉमन आदमी है वो जितना दबा हुआ है, देखिए अतीक वो और दबता चला जाएगा। की भी बात, आपने इकोनॉमी की बात की ना, ट्रांसमिशन की भी बात की है मैंने, ट्रांसमिशन का पता, ट्रांसमिशन की बात तो सेकेंडरी है, पहले बात तो ये कि हम उतनी एनर्जी पैदा कर लें, यहाँ तो यही रोना हो रहा है कि वो एनर्जी हम पैदा नहीं कर पा, जब हम उस एनर्जी को पैदा कर लेंगे तो सीपैक के मंसूबे हमारे पास मौजूद है, और दूसरे और भी मंसूबे मौजूद है, अगर उस पर आप डिस्कस करना चाहें तो वो ट्रांसमिशन लाइन का भी जिक्र हो रहा है कि उनको अपडेट किया जाएगा, कि अगर इतनी वाफिर एनर्जी बन जाएगी तो ये जाएगी कहां और सप्लाई कैसे होगी, ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन इकोनॉमिकली मैं आपको कहता हूं कि देयर इज अ बिग प्रोटेस्ट कि एक कॉमन आदमी के लिए सर्वाइवल मुश्किल है, इतने बड़े बड़े बिजली के बिल उसको सर्वाइव करने। देखिए बिजली एक कॉमन मैन का भी हक है, ये उसका राइट है, उस राइट से अगर उसको छीन लिया जाए तो वो फिर राइट के लिए परेशान होगा, एहतजाज करेगा, एंड दिस इज वेरी राइट, राइट, योर प्रोटेस्ट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एंड वेरी वेल। आपने इकोनॉमिक में बात करने को कहा तो एक आदमी जो 8 रुपए घर में लेकर आता है उसमें से 8 रुपए वो बिजली का बिल पे करते हैं, वो कैसे होगा? ठीक है, तो यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट, यू स्टैंड बाय द रीजन जिसके लिए ये धरना और ये, ठीक है, राइट। कैसे साहब इसके प्रपोज सॉल्यूशंस, आपके पास जवाब भी हैं, और मैंने मेट्रो की भी बात करनी है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। पूरे मुल्क भर में बस मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज का भी हम देखते हैं कि स्कार्सिटी है, वहां पे भी हमें एड्रेस करना। देखिए मैं इसको सम अप करते हुए मुख्तसरन कहूँ, जो आज हमने बातचीत की ना, सबसे ज्यादा तो ये बात हुई कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले जा रहे हैं वो लॉसेस पे चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें प्राइवेटाइजेशन, चाहे हम पीआईए की, हमारा मैनिफेस्टो है कि जो भी लॉस मेकिंग इदारे हैं उनको हम प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। देखिए ना, पीआईए करने जाएं तब यूनियन आ जाती हैं, पीपल पार्टी और पीटीआई, अभी सेनेटर साहब पीटीआई से तल्लक है, मेरे साथ तो असद उमर फाइनेंस कमेटी में बैठते हैं, इतना वेहमेंटली जोर से वो कहते हैं कि नहीं जी प्राइवेटाइज नहीं करें किसी इदारे को। असद उमर कह रहे हैं, पीटीआई का ये वर्जन है, वो कहते हैं पीआईए के ऊपर उन्होंने इतनी ज्यादा मुखालफत की है, पीआईए की हो रही थी। हमें बस मतलब ये है कि मुल्क सबका है और सब सनसियर है, मैं देख रहे इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, एक जगह बैठ के हमें अपना ध्यान बनाना पड़ेगा कि हमारा हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन हो ना हो, एक थ्रेड बेयर इसके डिसीजन, क्योंकि इकोनॉमिक एजेंडा पे हमें मिलना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये हो रही है कि अभी मकसद ये है कि ईरान ने पूरा गैस अपने बॉर्डर तक दे दिया,
हमारे पास गैस की पाइपलाइन ले कर दी है हमने। अब हमारे पास $1 बिलियन उसके लिए हमारे यहाँ पाइपलाइन लगाने, एनर्जी अवेलेबल थी चीपर, हमें एलएनजी लेनी पड़ी ना, एलएनजी इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर, लेकिन हमें क्योंकि उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं था। ईरान का उन्होंने अपने बॉर्डर पे पूरी और काफी अर्से उन्होंने ये बिछाई हुई है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो एक प्रॉब्लम नहीं है हमें बैठ के, और दूसरा बात यही है कि हम ये कहते हैं कि हमने डैम नहीं बनने देने। मैंने सेंटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखिए इससे कंसेंसस बनाए ना, सबसे ज्यादा असेंबलियों में हम डिबेट कर रहे हैं, दूसरे इन रेलेवेंट मैटर्स में तो हर जगह डिबेट हो रही है, चाहे टीवी पे चाहे मीडिया पे चाहे असेंबली में। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव कंज्यूमर को, आम आदमी को जिस तरह कहा गया, और हमारी इंडस्ट्री को और हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती कैसी चीज मिलेगी जो कि हम दुनिया में कम्पीट कर सकेंगे। बना लेना कोई कमाल नहीं, शार्ट मेजर में बना लेना, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो ये मामला तो मैं समझता हूँ सबके समझ में आए हुए हैं, कोई इतना नहीं है। हुकूमत ने सर तोड़ कोशिश की है और अगले साल तक मैं आपको यकीन दिलाता हूँ शुरू में बिजली की तो फरावानी हो जाएगी, लेकिन फिर हमारा वही मसला हो जाएगा कि हम वो बिजली की फरावानी को इस्तेमाल भी करें कि ना करें, क्योंकि महंगी इतनी है, ट्रांसमिशन नहीं है। तो इस सब चीजों के लिए तो सरमाया चाहिए ना, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी भी हमारा जो ज्यादा लग रहा है, लेकिन चाइना इज दी ओनली कंट्री जो कि हमारे यहाँ आई है जिसने इन्वेस्ट किया है। दूसरे ममालिक को हमने खुद जाके, जर्मनी हुकूमत ने हमें इन्वाइट किया ऑफिशियल, हम सारे फाइनेंस के लोग वहां गए। अब वो जर्मन सिर्फ देख रहे हैं, अमेरिकन सिर्फ देख रहे हैं, यूके वाले कोई यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। सर इन्वेस्टमेंट की बात से आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अभी जो मैस ट्रांजिट सिस्टम्स अब ये डेवलप कर रहे हैं, अब केपीके में भी, पेशावर में भी अलोंग द सेम लाइंस किए जा रहे हैं, आपको लगता है इस तरह की फैसिलिटीज आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के अलावा इन्वेस्टमेंट भी ला सकती है? देखा ना मोना, आपने कितनी अच्छी बात की। अभी तक हमें वो कह रहे थे कि जंगला बस, हम सियासत बराए सियासत, मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं। अच्छी चीज जो आवाम के लिए है, आज साबित हो गया ना कि पंजाब में हमने किया, फैसिलिटी दी लोगों को, कराची में अब देखिए सिंध में क्या हाल है। आप चैम्बर से यहाँ आएंगे तो घंटा सवा घंटा लग जाएगा, पीक आवर में डेढ़ घंटा भी लग सकता है। अब कराची जैसे बड़े शहर को तो जरूरत थी, अब पेशावर में वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, लेकिन वो उसको कितनी तनकीद बनाई गई कि जंगला बस है और ये पंजाब में गलत हो। पंजाब में भी देखिए ज्यादातर फंड जो लग रहे हैं वो लाहौर में लग रहे हैं। मैं आपको अपने इलाके की बात करूँ, रोड वो देखिए ना, वहाँ पे इतनी सड़क खराब है, इतना ट्रैफिक है, इतने ज्यादा एक्सीडेंट है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं बार बार असेंबली बहुत अच्छा लगता है आपने, ना मैं बार बार अभी मैं मोना आपको बताऊँ, मजबूर होकर मैंने ये कहा है, आप भी सुन के हैरान होंगे कि मैं ट्रेजरी बेंचेस का बंदा हुकूमत का, मैंने कहा अगर ये आपने हमारी सड़क नहीं बनाई तो मैं चौक में वहाँ टोकन भू करताल करूंगा। अभी मुझे इस लेवल पे क्यों आना पड़ा, क्योंकि चिन्योट में मेरे पास जो फंड आया ना, अभी मैंने लिस्ट देखी है, चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट में 2 अरब रुपए भी खर्च नहीं हुए और लाहौर में 850 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्या कोई तवाजन नहीं है? मेरा मतलब हम सारा मुल्क तो अवाम पे खर्च करना चाहिए, सारा मुल्क ही आपका है, सारे मुल्क को आप, हम नहीं कहते अगर देखो ना ये हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ केपीके में और जो लाहौर में भी जरूरत है, लाहौर को, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, लाहौर हमारा शहर है, लाहौर में भी अगर खर्च हुए तो अच्छा है, लेकिन तवाजन जरूर होना चाहिए। और फिर हमें ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए, सबसे ज्यादा तो हमारी अपना जो इन्वेस्टर है ना उसको सेविंग करना, हमारे यहाँ सेविंग नहीं है, हमारे यहाँ तो अखराजात कर देते हैं, हमें लोग गवर्नमेंट के पास सेविंग की गुंजाइश भी तो ना, गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहे हैं और ना गवर्नमेंट के पास सेविंग। तनकीद तो देखिए ना भरपार है, रोज आप देखेंगे मीडिया पे सिर्फ तनकीद, अच्छा राय कोई भी नहीं दे रहा। मैं अभी आखिरी एक आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी बजट बन रहा है और रिसेंटली हमने वहां मीटिंग भी की, सारे पूरे पाकिस्तान के चैम्बर को बुलाया। अब मैं आपके मीडिया के थ्रू एक सबको राय देना चाहता हूँ, हमें कंक्रीट बताएं कि किस तरह रेवेन्यू बढ़ सकता है और किस तरह हम बेहतर खर्च करें, बेहतर यानी इन्वेस्टमेंट किस तरह बढ़ सकती है, ये तजवीज सबसे हम मांग रहे हैं। और मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी का, मैं बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इत्तेफाक से मैं इसको हेड कर रहा हूँ और हम चाह रहे हैं कि मुल्क का सेंसियर भी देखे ना, हमने कुछ स्टेप्स ऐसे किए जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। प्रॉपर्टी पे कभी टैक्स नहीं था, हमने उसको शुरू किया। नॉन फाइलर पे जो बैंक की ट्रांजैक्शन थी ना 0.4% जो कि हमारी हुकूमत ने और हमारी फाइनेंस कमेटी ने की और सब मानेंगे, वो हमने 0.4% शुरू कर, हम कोई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। एफआरओ थे
मखसूस लोगों के थे, आप सारे चैम्बर वाले यही मुखालफत करते थे ना। और ये अभी हम जी हाँ बिल्कुल आप बताइए। मैं वो कैसे साहब की बात कर रहा था जो मेट्रो बस और ग्रीन बस की बात हुई, तो देखिए एक कॉमन मैन की बात आती है। एक आदमी जो काम पे जाता था, काम से वापस आता था, तो मैं लफ्ज इस्तेमाल करने में कोई शर्म या आर महसूस नहीं कर रहा हूँ कि बेचारा जलील होता था। यानी हमारे मुल्क का कॉमन आदमी बेचारा जलील होता था। एक बस बदले, दूसरी बस बदले, यहाँ तक बुरा हाल कि बसों की छतों में पसीने में लदे हुए इतने गंदे तरीके से बेचारों को अपने काम पे पहुंचा जाता। अब बॉस जो है वो कहता है 9 बजे पहुंचे, 9 से 5 मिनट 10। वो बेचारा जब घर जाता था तो रात भर वो ये सोचता कि सुबह मुझे जाना है। जब वो वहां से निकलता तो फिर कहता था मुझे शाम को किस हालात में वापस घर पहुंचना है। देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक बड़ा कारनामा किया है, ये मेट्रो बस और ग्रीन बस ने इसमें इज्जत दी है इंसान को। लाहौर में आप देखें किस इज्जत से लोग अपने घरों को जाते हैं और अपने कामों में जाते हैं। इस्लामाबाद में मैंने अपनी आंखों से देखा है, पिंडी के लोग इस हशर में अपने ऑफिस में आते थे जिसका कोई असर नहीं था और ज्यादा से ज्यादा पे करके आते थे। आज बड़ी इज्जत से घर से बैठते हैं, उसी हाल में ना खराब होते ना कुछ होते, अपने काम पे जाते और उसी हाल में अपने वहीं से काम से निकले, बिल्डिंग पे मेट्रो में बैठे। ये इतना बड़ा कारनामा है, खुदा करे ये कराची पे भी रहम आ जाए और कराची का भी कोई ट्रांसपोर्ट निजाम बढ़ जाए। और ये है अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। और हम ये कहते हैं कि ऐसे कई मंसूबों की जरूरत है हर शहर में इस मंसूबे, इसलिए कि एक इंसान सहूलत से अपने काम पे जाएगा और सहूलत से अपने घर वापस आएगा तो वो एक हेल्दी इंसान होगा और एक खुशहाल इंसान होगा और वो ज्यादा आउटपुट दे सकेगा और वो मुल्क में अपनी इकोनॉमी में ज्यादा बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। और जो वो जलील होकर के जाता आता था तो उस बेचारे का हाल तो हर एक को पता है कि क्या क्या मुफलिसी का आलम होता है इंसान का, कि उसने अगर कोट भी पहना हुआ था वो कोट का हजर हो चुका होता है जब वो ऑफिस पहुंचता है, तो उस कोर्ट को उतार के बिछा देना है दूसरे दिन लेना। तो ये चीजों को दूर करने के लिए मेट्रो बस का जो कारनामा है इतना रिस्पेक्टेबल है और इतना अच्छा काम है कि जिसके लिए जितनी बात की जाए कम है। आई रियली अप्रिशिएट इट। राइट, ठीक है, ये एक हमारे पास एनालिसिस बड़ा कंक्रीट आ गया है। मैं मुझे इजाजत दीजिएगा मुबशर साहब, मैं ताकि इसको इसी तरह से कंपाउंड करूं कि एक पॉलिटिकल व्यू भी आ जाए, सेनेटर साहब की जानिब बढ़ूंगी। सेनेटर साहब बताइएगा, अब अलॉन्ग द सेम लाइंस पेशावर में भी यही फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, लेकिन इसके अखराजात अगेंस्ट द क्लेम बढ़ गए हैं। जो क्लेम किया जा रहा था कि ₹14 बिलियन में तामीर की जाएगी, असद उमर साहब की तरफ से बात की गई थी, अब हम लोग देखते हैं कि 54% तक बढ़ के ₹57 बिलियन हो गए। इसकी वजूहात क्या है और क्या अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ये भी आप एक नेसेसिटी समझ के इसके ऊपर कोई सियासत अब आगे नहीं की जाएगी पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कैसर साहब की जो बातें थी बियॉन्ड पार्टीज जो थिंकिंग है सोच है उसे बियॉन्ड इन्हें बात की है अप्रिशिएबल। नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि जी आपका जो इंटरनेशनल लाहौर 80,000 पैसेंजर पर डे, इस्लामाबाद 130 पैसेंजर पर डे, 1,30,000 पैसेंजर पर डे, केपीके में ये मास ट्रांजिट जो है 4,80,000 पैसेंजर पर डे गुजारेगी। इंटरनेशनली जो चीज है कि जी 5 लाख पर डे हो तो आपका वायबल वो चीज है। मैं ये कहता हूं कि वेदर वो चिन्योट हो या फैसलाबाद हो या हैदराबाद हो, जहां आपके 5 लाख पैसेंजर पर डे गुजर जा सकते हैं उसके अंदर वहां ये प्रोजेक्ट लगाया जाए, जिस शहर में पाकिस्तान के जिस शहर में। अब आया आपने बात उधर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वाई लाहौर, वाई नॉट अदर प्लेसेज इन पंजाब जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उसको करना चाहिए था। सब फोकस लाहौर, नंबर वन। नंबर टू, आपके जो लाहौर की बसेज है उसके अंदर आपके लाहौर में कोई 55 बसें चल रही हैं, इस्लामाबाद में 80 चल रही हैं, केपीके में आप कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों, वी हैव 450 बसेस, 80 बसेस ऑन द मेन रूट एंड अबाउट 390 ऑन द साइड रूट्स, 7 साइड रूट्स। ये लाहौर में भी था, प्लान था, आज तक हुआ नहीं। साइड रूट से आकर उसको इंटरकनेक्ट करेगा, मेन रूट पर आपसे 4 लाख 5 लाख पैसेंजर चलेगा, साइड से सब जमा होंगे, वो चीज हुई नहीं। या हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आई इंस्टेड ऑफ 50 और 80 बसेज इन लाहौर एंड इस्लामाबाद या 450 बसेज, 7 रूट्स, फिर हमने विंडो ड्रेस नहीं किया। विंडो ड्रेस हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 50 बिलियन का लोन लिया, 7 बिलियन हमने खुद डाला उसके अंदर, पाकिस्तान 5 रुपए में बात कर रहा हूं, ये डाला हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन के जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो हमने इसमें डाले, हमने फाइनेंशियल चार्ज डाले। फिर साथ ही हमने जो सरकारी जमीन ली 7.6 बिलियन की सरकारी जमीन थी, आप फ्री ले लेते, हमने काम इसका कॉस्ट में इनकर करेंगे, कैपिटल कॉस्ट में इसका डालेंगे। फिर उसके ऊपर जितना हमारा जो स्टेशन वगैरह बन रहे हैं या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लोगों को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उनको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग करने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं, वो भी हमने डाला। पंजाब में ये नहीं डाला गया था।
वी वेंट, ठीक है आप कह रहे हैं 51% इंक्रीज, लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, अगर आप देखें जो हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा 33 बिलियन का है, पंजाब का वो था इट वॉज 34 बिलियन एंड इस्लामाबाद वॉज 44 बिलियन, सो कंपेरेटिवली हम सस्ते हैं, लेकिन अगर आप ये बाकी सारा कुछ, और ये चाहिए कि लाहौर में भी बाकी सारा कुछ डालें उसके अंदर, और करना चाहिए तो इसकी सही यूटिलिटी वायबल प्रोजेक्ट फिर बनता है, लेकिन ऑल सेडेंट मुझे प्लीज सवाल की इजाजत इस पॉइंट पे दीजिएगा, आप तो आइडियोलॉजी पाकिस्तान कहा जाता था कि आप नेसेसिटीज की तरफ गौर करें, तो अब मुझे मतलब वैलिडली आप ये बता दें कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, आपकी तरफ से इस बात का क्रिटिसिज्म आता था कि वो निगलेक्ट हो जाते हैं और हम लोग मैथ ट्रांजिट सिस्टम बनाने में लग जाते हैं, आपको लगता है अब ये नहीं किया जाएगा, अब हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर उसी तरह से इनमें इन्वेस्टमेंट आएगी डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैथ ट्रांजिट सिस्टम अब आप भी बना रहे हैं और सब बाकी भी बना रहे हैं? देखिए मैं सबसे पहले बोलूं कि हमने केपीके में, अगर आप कहते हैं ना आईजी नासिर दुरानी डिड वेरी वेल, नासिर दुरानी बहुत एज गुड एन आईजी जैसा पंजाब का आईजी, जैसा कराची का आईजी सारे, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि यहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अंदर मेरिट्स पर काम चलता है, उसकी किसी चीज में हम इन्वॉल्व नहीं होते। कराची में अगर पॉलिटिशियन ले बैक करे, लाहौर में अगर हट जाए पीछे और ब्यूरोक्रेसी पुलिस को छोड़े ठीक होगा। सिमिलरली हमने हेल्थ सेक्टर में भी ये किया, हेल्थ सेक्टर में हमने हर टेरिटरी हॉस्पिटल का प्राइमरी हॉस्पिटल में चेंजेस किया है, टेरिटरी में हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड्स को टोटल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया, नो इंटरफेरेंस फॉर एनी पॉलिटिकल फिगर। ये आप पाकिस्तान में कहीं भी करेंगे नो इंटरफेरेंस पॉलिटिकल फिगर्स, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। प्राइमरी में हमने ये किया जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, उधर हमने तनख्वाहें डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की 80-120% ज्यादा की और उसको भी इंडिपेंडेंट कर दिया। आप सिर्फ द ओनली सोल्यूशन, दिस नो नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, जितना हुकूमत बाहर रहेगी कारोबार से, अगर इंडस्ट्री से कॉमर्स से बाहर रहेगी, ये बहुत अच्छा चलता है। ऑल ऑफ दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर देयर टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, नो वन इज अ फैसिलिटेटर, तो कीप गवर्नमेंट आउट ऑफ दीज थिंग्स। बोर्ड्स बनाए, अच्छे बोर्ड्स बनाए, डिस्कोर्स के अच्छे बोर्ड्स बनाए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग ना लाएं, जो एकेडमिकली क्वालिफाइड है उन लोगों को लाएं, तो ये सारा कुछ पाकिस्तान भर में ठीक होगा। एंड पॉलिटिशियंस शुड प्लीज काइंडली स्टे अवे फ्रॉम सच इंडिपेंडेंट बोर्ड्स और पुलिस वगैरह से इंडिपेंडेंट, और अल्लाह करे, मैं तो बड़ा दिल खफा होता है कराची के हालात देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर सब बेड़ा गर्क है कराची में, जस्ट बिकॉज वन पोलिटिकल पार्टी इज डोमिनेट ओवर देर एंड दे पेइंग रैम्पेज विद होल सोसाइटी ओवर देर इन कराची। राइट, थैंक यू फॉर दैट वर्डिक्ट सेनेटर साहब से। जाहिर है इस बारे में तो हमने बात की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बाकी रिकग्नाइज किया है कि दूसरे सोशल सेक्टर्स में क्या किया जा रहा है। मुबशर साहब से पूरी बात को कंक्लूड करूंगी। बोना एक चीज तो ये है कि जो हम चोरी की या अदरवाइज इस तरह की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल पावर थेफ्ट की जो बात हो रही थी, एक चीज तो इसमें पहले प्रपोजल्स आई भी थी कि किस तरह आप सूबाई हुकूमतों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिस वक्त महासल की बात होती है ना, तो सूबाई हुकूमतें बहुत ज्यादा जो है वो पाक के साथ जो है इस बात के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट करती हैं कि जी हमारे एनएफसी अवार्ड के तहत हमारे इतने पैसे मिलने, लेकिन जो उनकी तरफ से पैसे देने होते हैं वो कहीं पर डिस्कस नहीं होते। आप देखिए सर, अगर बिजली की बात है या गैस की बात है तो वो सूबाई इदारे भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जो डेफिसिट होता है उसको आप एडजस्ट करने की बात करेंगे। पीएससी अवार्ड का बड़ा बहुत हाँ जी, तो इसको अगर आप उससे लिंक करें कि सूबाई हुकूमतों के पास चूंकि पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतें, तो लिहाजा अगर आप उसके साथ उनको करें तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन से भी बेहतर सोल्यूशन इसमें आ सकता है। दूसरी बात यह है कि जो हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के हवाले से एक कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस होता है कि ये एनालिसिस आपको बताता है कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं उससे इस्तफादा कितना होगा और क्या ये वायबल है या नहीं, नहीं है, ठीक है। इस हवाले से अगर आप देखें तो आप बेशक कोई मेट्रो का हो या मोटरवे का प्रोजेक्ट हो या बिजली का प्रोजेक्ट हो, जब तक आप कॉस्ट बिजनेस एनालिसिस के मुताबिक वो चीज नहीं है तो आप समझ लें कि वो कौम के ऊपर एक बोझ है। अगर आप उससे जैसे उन्होंने कहा ना कि 5 लाख अफराद अगर इस्तफादा कर रहे हैं उस रूट से, तो इसका मतलब है कि वो वायबल है। दुनिया में हर जगह मेट्रोज जो हैं वो सब्सिडाइज होते हैं, लेकिन उसको फिर कवर भी किया जाता है।
कि अच्छा जी ये चीज तो हमें इधर से तो हमें सब्सिडाइज करना पड़ेगा लेकिन इसको हम कवर इस टैक्स से करेंगे लिहाजा चाहे, लेकिन हमें ये ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाए ना। अच्छा टैक्स नेट बढ़ाने की जो बात कर रहा हूँ मैं उसमें सिर्फ एक बात कहूंगा, तो आप जैसे अपना कैसर साहब ने कहा कि इसमें प्रपोजल चाहिए, मैं कहता हूँ जी अगर फेडरल गवर्नमेंट 1200 अपराध जो तमाम पार्लियामेंटेरियन है उनसे सही टैक्स ले ले तो पाकिस्तान का हर शहरी सही टैक्स देगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये जो टैक्स सिस्टम है ना ये इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए, टैक्स पेयर को इंसेंटिव मिले। अगर यहाँ पे हम इदारों के थ्रू इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली जो दे रहा है उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं है राइट। तो लिहाजा इसको एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और उसको डायरेक्ट फायदा भी होना चाहिए। मेरा टैक्स अगर जो है वो नेस्ले पे कर रहा है या पेप्सी पे कर रहे हैं तो वो अपना नंबर बढ़ा रहा है। मैं क्लोज करूंगी, अलाउ मी, मैं इस पूरे बात के अख्तिताम इसी नोट पे करूंगी। हमने बड़ा कंक्रीट डिस्कशन आज दोनों मौजूदात पे किया, मजीद इस पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते थे क्योंकि इनकी नौयत इस तरह की थी, बट नंदले वेरी ग्रेटफुल हमारे तमाम पैनलिस्ट के लिए। मिस्टर कैसर अहमद शेख हमारे साथ थे, मिस्टर मुबशिर मीर, मिस्टर रफीकुर रहमान फ्रॉम कराची स्टूडियोज और ऑल द वे फ्रॉम पेशावर स्टूडियो, सेनेटर नुमान वजीर खटक ने हमें ज्वाइन किया था, ग्रेस किया था पैनल को। आप सबका बहुत शुक्रिया, वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। रिस्पेक्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तमाम इतराफ से अब इसके बारे में तारीफ की जा रही है और इसको पॉलिटिकल भी जो पार्टीज हैं या इसके ऊपर अगर कोई तफरीक थी तो उसको हम लोगों ने अब दूर कर दिया है। नॉनदलेस इसको ऐसे ही रहना चाहिए, राधा देनेस के इसको एक और मौजू बना दें क्रिटिसाइज करने का कि ये क्यों किया जा रहा है, अब क्यों तफरीक दूर हो गई ना। ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छा एग्जाम्पल है, प्रेसिडेंट है, इसको इसी स्पिरिट में रखा जाए। डिस्कशन भी कैसा लगा इसके बारे में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फीडबैक दीजिएगा। और ट्रांसमिशन लॉसेस हमने अब यही डिस्कवर किया है कि यही इसी को रोकथाम इसकी करके रिवैम्प करके पुराने यूनिट्स को और प्रोफेशनलिज्म को इंटैक्ट रखे हम अपने ये लोड शेडिंग के मसाइल भी उसी तरह से हल कर सकते हैं इन द सेम स्पिरिट। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।